फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेली कस्टर्ड बताने सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम जेली बनाना सीखते हैं। जेली के लिए हमने ये मार्केट से हम एक पैकेट जेली पाउडर लाए हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। सबसे पहले हम इसको कैसे बनाते हैं ये सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच जेली पाउडर एक कटोरी में निकाल लिया है। 1 कप चाय के कप में हम पानी लेंगे और इसमें इसमें डाल देंगे। अब हम इस पानी को उबलने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये पानी उबल जाए तो हम थोड़ा इसको ठंडा करके हम इसमें अपने में डालेंगे। ये देखिए उबल गया पानी। अब हम इस पानी को अपने इसमें डालेंगे और हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसको आधा घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। आप चाहें तो इसको आप बाहर ही रखा रहने दें, नहीं तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में 30 से 45 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख दें। उसके बाद मैं आपको कस्टर्ड कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कस्टर्ड बनाना सीखते हैं। कस्टर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, 1 कप मैंने दूध लिया, 2 चम्मच मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप चाहे तो किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, चीनी ली है और ये मैंने गार्निशिंग के लिए फल लिए, ये मैंने रेड अंगूर लिए है और ये मैंने प्लम है। आप चाहे तो कोई भी फल यूज कर सकते हैं, एप्पल अनार जो भी आपके पास हो। अब हम सबसे पहले ये दूध लेंगे और हम कस्टर्ड बनाएंगे। दूध हम उबलने देंगे। अब हम इस कस्टर्ड पाउडर में ये दूध हम उबलने देंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड, इसको हम धीरे गैस पे उबलने देंगे। और हम ये कस्टर्ड पाउडर में दूध डाल के हम इसको चला देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई लम्स ना पड़े इस कस्टर्ड में। ये देखिए, अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर हम 1 से 2 चम्मच डालेंगे। ये आपके स्वाद के अकॉर्डिंग है, आपको कितनी डालनी है। मैंने 1 से 2 चम्मच डाली है। अब हम ये कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको चला लेंगे। और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक ये हमारा दूध का जो टेक्सचर है ये गाढ़ा ना हो जाए। ये मैंने जो कस्टर्ड पाउडर लिया है फ्रेंड, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। आप चाहें तो ये कोई भी फ्लेवर, मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, मैंगो आता है, एप्पल आता है, आपके अकॉर्डिंग है आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए मैंने जो पहले जेली बनाई थी इसको मैंने बाहर ही रख के सेट होने रख दिया है। जब तक हमारा ये कस्टर्ड बनेगा जेली भी हमारी सेट हो जाएगी। इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये हमारा जो कस्टर्ड है ये चिपके नहीं। गैस बंद कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और ये हमारी जेली भी सेट हो गई है। ये देखिए मैंने जेली को कुकी कटर से कट कर लिया है। आप देखिए, आप किसी भी शेप के कुकी कटर लीजिए, उसको आप ऐसे रखिए और ये देखिए ये आपकी जेली, ये देखिए कुकी कटर की हेल्प से आप ये देखिए ये बढ़िया सा शेप ले सकते हैं। ये देखिए इसको आप पकड़ के ऐसे ही आप और भी अपने कुकी कटर से ऐसे काटिए और इसको शेप दीजिए बढ़िया, जो भी आपका मन करे। अब चलिए हम प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए आप ग्लास ले सकते हैं। मैंने ये एक कटोरी ली है। सबसे पहले मैं इसमें अपना कस्टर्ड डालूंगी। अब हमने ये जो अपनी जेली बनाई है ये जेली मैं देखिए ये देखिए ये हम जेली करेंगे और हमने ये अंगुली है इनको हम बीच से काटेंगे। इसको हम सेंटर पे रख देंगे। बाकी हम अपने अंगूर लेकर हम ऐसे प्लेट में लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। और आप भी ऐसे ही जेली कस्टर्ड घर पे बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।